नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं हूं आप सबका दोस्त रोशन और आप देख रहे हैं सभी बड़ी खबरों और मुख्य समाचार की खास वीडियो, जिसमें हम बारी बारी से सभी बड़ी खबरों और मुख्य समाचारों को जानेंगे विस्तार से। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन के बेल को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नई वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल के आ रही है। दोस्तों, इस वक्त की पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि 19,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा है एवरेस्ट की साइज का उल्कापिंड। बता दें कि एक उल्कापिंड धरती की तरफ बढ़ रहा है और इसकी रफ्तार 19,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक है। अगर ये उल्कापिंड गलती से भी पृथ्वी से टकराया तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। हालांकि फिलहाल ऐसी कोई आशंका नहीं है और ये पृथ्वी की कक्षा के बाहर से निकल जाएगा। खबर के मुताबिक ये उल्कापिंड 29 अप्रैल की सुबह करीब 6 बजे पृथ्वी के बेहद पास से गुजरने वाला है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक इसकी गति 19,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। एजेंसी ने साफ कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। नासा के मुताबिक ये उल्कापिंड माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा है। बुधवार सुबह 5:56 पर ये उल्का धरती के पास से गुजरेगा। वैज्ञानिकों ने इसको 1998 OR2 नाम दिया है। वैज्ञानिकों ने कहा कि अक्सर धरती के पास से ऐसे उल्का पिंड गुजरते रहते हैं। कुछ उल्का काफी छोटे होते हैं तो कुछ बड़े होते हैं, लेकिन इतने बड़े उल्का कभी कभी आते हैं। आपको बता दें कि वैसे तो उल्का के रास्ता बदलने की संभावना कम ही होती है, लेकिन अगर जरा सा भी रास्ता बदला या फिर धरती के गुरुत्वाकर्षण ने उल्का को आकर्षित किया तो दुनिया के लिए ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक इस उल्का पर नजर रखे हुए हैं। करीब 1.5 महीने पहले से ही नासा के लोग इस उल्का पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इसका आकार काफी बड़ा है और ये धरती के काफी पास से गुजरने वाला है। ये पृथ्वी पर बहुत बड़ी तबाही करने की क्षमता रखता है, लिहाजा इसके लिए धरती के वैज्ञानिकों की तैयारी भी काफी है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अगले सप्ताह से कोरोना मुक्त जिलों में खत्म हो सकता है लॉकडाउन। केंद्र सरकार ने कहा, बता दें कि लॉकडाउन के चरणबद्ध तरीके से खुलने की तैयारी तो होने लगी है, लेकिन सब कुछ ठीक रहा तो भी आधे से ज्यादा देश संभवतः प्रतिबंध में ही रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा में जहां अधिकतर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही, वहीं प्रधानमंत्री ने कोरोना के साथ जंग की तैयारी दुरुस्त रखते हुए अर्थव्यवस्था की पहिया का चलाने का संकेत भी दिया और राज्यों से अपने यहां इसका फॉर्मूला तैयार करने को भी कहा। उन्होंने परोक्ष रूप से चीन से भाग रही कंपनियों का हवाला देते हुए कहा कि संकट के इस काल को अवसर में बदला जा सकता है, इसकी तैयारी की जानी चाहिए। हालांकि इसके बावजूद ये मानकर चलना चाहिए कि सब कुछ ठीक रहा तो भी आधा देश ही खुल पाएगा। दरअसल ये छूट केवल उन्हीं जिलों में मिलेगी जो कोरोना से मुक्त है। औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ ई मार्केटिंग को छूट मिलेगी। ये छूट केवल आवश्यक वस्तु तक सीमित नहीं रहेगी, लेकिन हवाई सेवा और रेल सेवा के साथ साथ कोरोना रेड जोन एरिया मॉल सिनेमाघर भी बंद रहेंगे। स्कूल कॉलेज को खैर लंबे वक्त तक बंद रहेंगे। आखिरी निर्णय अंतिम दिनों तक के नतीजों के बाद ही होगा। सोमवार की वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद जो संकेत मिल रहा है उसमें जिलेवार राहत की ही बात उभर रही है। ध्यान रहे कि वर्तमान स्थिति में देश के लगभग 700 जिलों में 425 कोरोना संक्रमित हैं। हालांकि ऐसे जिलों में लगातार वृद्धि हो रही है जहां पिछले 28 दिनों से कोरोना का मामला नहीं आया है, लेकिन कुछ जिलों में एक महीने बाद भी मामले आ रहे हैं। शहरों में ऐसे इलाकों में केस आने शुरू हुए हैं जहां अब तक कोई केस नहीं था, लिहाजा मुख्यमंत्रियों की भी ये चिंता का विषय है। महाराष्ट्र फिलहाल सबसे बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन प्रधानमंत्री ने राहत का हाथ फेरते हुए कहा कि कहीं कहीं ज्यादा मामले आ रहे हैं, इसका दबाव नहीं लेना चाहिए क्योंकि पूरा देश इससे जूझ रहा है, लेकिन मुस्तैदी से कदम उठाने होंगे और ये सुनिश्चित करना होगा कि इस पर लगाम लगे। प्रधानमंत्री ने ये भी आगाह किया कि अभी कोरोना रहने वाला है, इसलिए हर स्तर पर सतर्कता जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही आर्थिक गतिविधि भी शुरू करने का प्लान हर राज्य को हालत के अनुसार करना चाहिए। बता दें कि बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को छोड़कर सभी मुख्यमंत्री मौजूद थे, लेकिन बोलने का अवसर केवल 9 राज्यों को मिला, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उड़ीसा के नवीन पटनायक शामिल थे। नीतीश ने प्रवासियों को लेकर नीति बनाने की मांग की। दरअसल जिस तरह राजस्थान के कोटा से कुछ राज्य सरकारें अपने प्रदेश के बच्चों को लेकर जा रही है,
उसके बाद नीतीश पर राजनीतिक दबाव है। नीतीश ने कहा कि केंद्र सरकार के वर्तमान दिशा निर्देश को देखते हुए सरकार के लिए ये संभव नहीं है। ऐसे में केंद्र को प्रवासियों को लेकर एक नीति बनानी चाहिए। वहीं कांग्रेस शासित राज्यों की ओर से मुख्यतः पैकेज और केंद्रीय सहायता की मांग की। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री ने उन्हें संकेत दिया कि आने वाले दिनों में हालात को लेकर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकारों से पूरा प्लान बनाने को कहा। माना जा रहा है कि संभवतः शनिवार को प्रधानमंत्री की ओर से किसी निर्णय की घोषणा की जा सकती है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कोरोना की चपेट में आपका क्रेडिट कार्ड। लॉकडाउन के बीच बैंक घटा रहे 90% तक क्रेडिट लिमिट। बता दें कि कोरोना संकट के बीच लोगों की आमदनी पर असर पड़ा है। नौकरी पेशा लोगों की सैलरी में कटौती हुई है तो बिजनेस करने वाले लोगों के कारोबार में घाटा। लॉकडाउन की वजह से कामकाज ठप और जेब खाली हो रहे हैं। ऐसे में अब बैंकों ने भी झटका देना शुरू कर दिया है। सैलरी कटौती और छंटनी की टेंशन के बीच बैंकों ने क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को झटका दिया है। बता दें कि नौकरी कोरोना वायरस के कारण सैलरी काटी जा रही है, नौकरी जाने का खतरा बना हुआ है। लोग किसी तरह से अपने परिवार का खर्चा निकाल पा रहे हैं। वहीं इस मुश्किल घड़ी में मदद करने के बजाय कुछ बैंकों ने क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन की लिमिट कस्टमर्स के कुछ विशेष वर्गों के मामले में क्रेडिट लिमिट को घटा दिया है। बैंकों ने छोटे और मझोले उद्यमों की लोन सीलिंग को भी कम कर दिया है। बैंकों ने लॉकडाउन के बीच 2,00,000 लोगों के क्रेडिट कार्ड की लिमिट घटा दी है। ईडी के रिपोर्ट के मुताबिक एक्सिस बैंक के करीब 2,00,000 कस्टमर्स की क्रेडिट लिमिट घटा दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बैंक ने 15 अप्रैल से ये लिमिट घटानी शुरू कर दी है। एक्सिस बैंक के कुछ कस्टमर्स ने इसकी पुष्टि भी की है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल का, जिसका जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक बम्पर इनाम। तो देखते हैं आज का सवाल क्या है। तो आज का सवाल है कि गोवा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। दोस्तों, इसका सही जवाब आपको कमेंट में नीचे लिखना है और सही जवाब देने वाले को रेंडमली सिलेक्ट करके उन्हें दिया जा सकता है एक शानदार इनाम। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर पाकिस्तान से निकल के आ रही है। बता दें कि कोरोना के खिलाफ जंग में फेल हुए पीएम इमरान खान, सेना ने संभाला मोर्चा। क्या पाकिस्तान में फिर होगा तख्ता पलट। बता दें कि कोरोना वायरस ने पाकिस्तान में भी कहर बरपा रहा है। यहां इस जानलेवा वायरस से 13,323 लोग संक्रमित हैं। 281 लोगों की जान भी जा चुकी है। इस वायरस ने पाकिस्तान की सत्ता को हिलाकर रख दिया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कोरोना से जंग में फिसड्डी साबित हो रहे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को एक बार फिर शक्तिशाली सेना ने किनारे कर दिया है। समाचार एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट से इन अटकलों को और बल मिला है। विशेषज्ञों का मानना है कि लॉकडाउन के फैसले पर इमरान सरकार की देरी की वजह से पाकिस्तान में कोरोना की स्थिति बिगड़ी। यही नहीं, महामारी से निपटने में भी सरकार की नाकामी को देखते हुए सेना को आगे आना पड़ा। इससे जाहिर हो रहा है कि सेना का यकीन इमरान से डिगने लगा है। फिर हुआ साबित पाकिस्तान की सत्ता का असली कमान सेना के हाथ। तो बता दें कि फाइनेंशियल टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने 22 मार्च को देश के नाम संबोधन में देशव्यापी लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया था। इसके पीछे उनका तर्क था कि इससे गरीबों के सामने नौकरी और खाने का संकट पैदा हो जाएगा। हालांकि इसकी फजीहत तब हो गई जब इमरान के ऐलान के 24 घंटे बाद ही पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने देश में लॉकडाउन लागू करने की घोषणा कर दी। इसके चलते लॉकडाउन लागू होने के साथ ही पूरे देश में सेना को तैनात कर दिया गया। इसके साथ ही नेशनल कोर कमेटी कोरोना वायरस की स्थिति पर नजर रख रही है। एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी ने बताया कि इमरान सरकार ने COVID-19 पर काबू पाने में बड़ी खाई छोड़ दी थी। सेना इसी खाई को पाटने की कोशिश कर रही है। ऐसे में इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि केंद्र सरकार लॉकडाउन में सख्ती को भी कह रही और सभी दुकानें खोलने की छूट भी दे रही, कहा ममता बनर्जी ने। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र लॉकडाउन से संबंधित कोई बदलाव करता है तो उनको कम से कम प्रदेश की सरकारों को उसके बारे में पहले से बताना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख बनर्जी ने सोमवार को कहा, केंद्र सरकार अचानक नया सर्कुलर जारी कर दे रही है, मुझे इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन कुछ सलाह मशविरा भी जरूरी है, उनको राज्यों से उनकी स्थिति पूछनी चाहिए। बनर्जी ने कहा कि एक दिन गृह मंत्रालय कहता है कि राज्य सरकारें सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराएं, किसी तरह की ढील न दी जाए, फिर दूसरे सर्कुलर में कहता है कि सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दी जा रही है। क्या दोनों बातें एक साथ मुमकिन है कि बाजार भी खुले और सख्ती से लॉकडाउन रहे, कोई घर से भी ना निकले? तो कम से कम केंद्र हमें बताए कि हमें क्या करना है। बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार जो कह रही है और उसकी ओर से जो दिशा निर्देश आ रहे हैं उसमें अस्पष्टता का अभाव है।
जिससे राज्यों को परेशानी हो रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में क्वारंटीन सुविधाओं को लेकर बैनर्जी ने कहा कि लाखों लोगों को क्वारंटाइन नहीं किया जा सकता, सरकार की अपनी सीमाएं हैं। ऐसे में हमने फैसला लिया है कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है और उसके पास अपने घर में खुद को आइसोलेट करने की सहूलियत है तो वो व्यक्ति खुद को घर में आइसोलेट कर सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को ये भी कहा कि उनके राज्य के जो मजदूर दूसरे सूबे में फंसे हुए हैं वो उनके होते हुए खुद को बिल्कुल भी असहाय न समझें। उन्होंने कहा कि मैंने अधिकारियों को कहा है कि देश में जहां भी राज्य के लोग हैं उनको वापस लाने का जो भी संभव रास्ता है वो निकाला जाएगा। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि झारखंड में 3 मई तक नहीं खुलेंगी दुकानें, छात्रों को लाने पर केंद्र खेल रहा खेल, हेमंत सोरेन ने कहा। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में रियायत देते हुए कुछ श्रेणी की दुकानें खोलने का निर्देश दिया है, लेकिन हमारी सरकार ने फैसला किया है कि 3 मई तक किसी भी क्षेत्र में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान पूर्व से जो दुकानें खुल रही हैं वो खुलती रहेंगी। कोटा में फंसे छात्रों को कई राज्यों द्वारा वापस लाने के निर्णय पर सवाल खड़ा करते हुए सीएम ने कहा कि एक तरह से ये राज्य के लिए सजा की बात है। सीएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि उल्लंघन करने वाले राज्यों पर केंद्र मौन है। केंद्र बताया कि झारखंड के छात्र मजदूर कैसे वापस आएंगे। सीएम ने एक सवाल के जवाब में कहा कि लॉकडाउन का आदेश स्पीकर ने नहीं दिया है, जो उनके कहने से छात्र आ जाएंगे ये तो केंद्र के आदेश का उल्लंघन है। संक्रमित इलाकों में आवाजाही पर पूर्ण रोक, सीएम ने कहा कि ये जरूरी है कि संक्रमण वाले क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही पर संपूर्ण रोक सुनिश्चित हो। साथ ही उन्होंने कहा कि रांची के हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी में सीआरपीएफ की तैनाती का फैसला लिया गया है, हालात बिगड़ने पर पूरे रांची में सीआरपीएफ की तैनाती कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रांची की सीमाएं पूर्ण रूप से सील की जा रही है, केवल मान्य मामलों में ही छूट दी जाएगी। इसके लिए विशेष पुलिस बल की तैनाती करते हुए ये सुनिश्चित करने का आदेश डीजीपी और मुख्य सचिव को दिया गया है। सीएम ने कहा कि जिन क्षेत्रों में अभी संक्रमण नहीं पाया गया है वहां संक्रमण रोकने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की जाए। संदिग्ध संभावित संक्रमण वाले क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और टेस्टिंग का कार्य तेजी से करने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर में बता दें कि बिहार में एक दिन में मिले 68 कोरोना पॉजिटिव, दरभंगा मधुबनी और पूर्णिया कोविड 19 प्रभावित जिला की सूची में शामिल। बता दें कि बिहार में सोमवार को कोरोना संक्रमण के 68 नए मामले सामने आए, जिसके साथ प्रदेश में कोविड 19 से संक्रमित मामले अब बढ़कर 345 हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने सोमवार को बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के ताजा मामलों में मुंगेर जिले में 22, रोहतास में 16, भोजपुर में 7, पटना में 6, मधुबनी और औरंगाबाद में 5-5, लखीसराय में 3 तथा सारण, दरभंगा, नवादा एवं पूर्णिया में 1-1 मामले शामिल हैं। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सोनिया मामले में मुंबई पुलिस ने अर्णव से की 12 घंटे पूछताछ, हमले के आरोपियों को मिली जमानत। बता दें कि टीवी चैनल रिपब्लिक भारत के संस्थापक अर्णव गोस्वामी से सोमवार को मुंबई पुलिस ने करीब 12 घंटे पूछताछ की। गोस्वामी से ये पूछताछ उनके द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर की गई टिप्पणियों पर दर्ज एफआईआर के संदर्भ में की जा रही है। वहीं समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक टीवी पत्रकार अर्णव गोस्वामी पर हमले के आरोपित दोनों युवकों को भोईवाड़ा कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एसवी पिंपले ने जमानत दे दी। अर्णव सोमवार को सुबह करीब 10 बजे मुंबई के एनएम जोशी मार्ग पुलिस थाने पहुंचे थे। पुलिस थाने में प्रवेश करने से पहले उन्होंने अपने ही चैनल के 2 पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि सच्चाई की जीत होगी। पूछताछ लंबी खींचने के कारण ही वो सोमवार को अपने टीवी चैनल पर रोज शाम 7 बजे आने वाला बहस का शो पूछता है भारत भी प्रस्तुत नहीं कर सके। अर्णव पर ये एफआईआर कुछ दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर तीखी टिप्पणियां करने के कारण दर्ज कराई गई थी। ये टिप्पणियां उन्होंने महाराष्ट्र के पालघर में 2 संतों की हत्या पर बहस के दौरान की थी। इसके बाद से ही अर्णव के विरुद्ध देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई से बाहर दर्ज सभी एफआईआर रद्द करने का आदेश देते हुए सिर्फ मुंबई में दर्ज एफआईआर को मान्यता देते हुए अर्णव को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था। इसी मामले में एनएम जोशी पुलिस ने सोमवार को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। उधर गोस्वामी पर हमले के आरोपी दोनों युवकों को भोईवाड़ा कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसवी पिंपले ने जमानत दे दी। सोमवार को आरोपितों की ओर से पैरवी करते हुए वकील सुनील पांडे ने कहा कि इस मामले में राजनीति से प्रेरित होकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, पुलिस की जांच में अब तक कुछ भी सामने नहीं आया है। उन्होंने दलील में यह भी कहा कि मीडिया एक्ट के जिस अनुच्छेद तहत
रिपोर्ट दर्ज कराई गई है वो पत्रकार के ड्यूटी पर रहने के दौरान हमला होने पर लागू होता है, जबकि इस मामले में हमला तब हुआ जब पत्रकार अपनी ड्यूटी खत्म कर घर जा रहे थे। उल्लेखनीय है कि बीते गुरुवार को अर्नब की कार पर बाइक सवार युवकों ने उस वक्त हमला किया जब वो काम खत्म करके घर लौट रहे थे। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि दिल्ली के 3 अस्पतालों में प्लाज्मा ट्रायल शुरू। रमजान में 10 तबलीगी जमातों ने किया रक्तदान। बता दें कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को गंभीर स्थिति से बाहर निकालने के लिए प्लाज्मा तकनीक पर जोरों से काम चल रहा है। इसके लिए तबलीगी जमात के 10 लोगों ने अपना प्लाज्मा दान किया है। ये लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और सुल्तानपुरी तथा नरेला सेंटरों में इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। इनकी कोरोना रिपोर्ट 2 बार नेगेटिव रिपोर्ट मिलने पर इन्हें छुट्टी दे दी गई। रमजान के पाक महीने में लोगों ने दूसरे मरीजों की जान बचाने के लिए रक्तदान किया है। सोमवार को तबलीगी जमातियों ने ILBS अस्पताल में प्लाज्मा दान की है। कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्होंने पहले उसकी जंग को जीता, उसके बाद 2 बार नेगेटिव रिपोर्ट मिलने पर उन्हें छुट्टी दे दी गई। अब इन लोगों ने बाकी मरीजों की सेवा के लिए रक्तदान करने का फैसला किया है। सोमवार को करीब 8 लोगों ने प्लाज्मा दान दिया। दिल्ली के 3 अस्पतालों में प्लाज्मा तकनीक पर काम चल रहा है। एम्स मैक्स अस्पताल के अलावा लोकनायक अस्पताल में भर्ती 10 से ज्यादा मरीजों पर प्लाज्मा तकनीक से उपचार दिया जा रहा है। तो अगली बड़ी खबर में बात कर लेते हैं आज के मौसम समाचार की। तो बता दें कि इन 9 राज्यों में आ सकता है आंधी तूफान, आगे चक्रवात की आशंका, रहे अलर्ट। बता दें कि एक तो कोरोना संकट और दूसरी ओर मौसम की मार, इन दोनों ने मिलकर आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा में तेज बारिश होने के आसार हैं। तो वहीं एक से लेकर तीन मई से बारिश की गति में कुछ कमी आ जाएगी। हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश जारी रहेगी, जबकि आज और कल केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। बता दें कि भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक इस वक्त दक्षिण अंडमान सागर पर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इससे अगले 48 घंटे में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इसके आसपास के इलाके में चक्रवात आने की आशंका पैदा हो गई है, जिसके कारण कई राज्यों में हल्की से तेज बारिश हो सकती है। विभाग ने कहा कि चक्रवात की आशंका 30 अप्रैल से 3 मई के बीच में है। फिलहाल चक्रवात की तीव्रता कम ही रहने की आशंका है, लेकिन फिर भी राज्य सरकारों से कहा गया है कि वो समुद्र में मछुआरों को जाने से रोके। हालांकि देश में लॉकडाउन है, इस वजह से लोग घरों में ही हैं। फिर भी जो लोग काम से बाहर निकल रहे उन्हें सतर्क रहने को कहा गया है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप ताजा तरीन और मुख्य समाचार की वीडियो अपडेट जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।